देखो सर्किल मोशन में सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जब भी कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है फिर यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कैसे भी मूव करे, ये आएगा डिस्टेंस, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ कुछ डेफिनेशन है, पार्टिकल जब भी कर्वे मूव करता है, अब ध्यान से देखिएगा, ए से लेके पार्टिकल बी तक जाता है, पी से लेके क्यू तक आता है। तो लीनियर रेडियस की बात करते हैं, यहां से किया यहां तक, यहां से आया यहां तक, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ एल वन आगे और ये लेंथ आगे एल टू, यहां से यहां तक ये लेंथ आगे एल वन और ये लेंथ आगे एल टू। एल वन प्लस एल टू होगा डिस्टेंस स्टैंडर्ड, एल वन प्लस एल टू होगा डिस्टेंस स्टैंडर्ड। ये यहां से यहां तक एपी हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये एपी हो गया सीधा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक गया, तो L1 plus L2 डिस्टेंस होगा, L1 minus L2 डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व होगा, ध्यान रखना। L1 minus L2 will be displacement along the curve, displacement along the curve। यहां पे हम तो जब भी हम कर्वीलिनियर मोशन पढ़ते हैं, जब भी हम कर्वीलिनियर मोशन पढ़ते हैं, जब भी हम कर्वीलिनियर मोशन पढ़ते हैं तो ये कुछ नहीं देखते, वेलोसिटी हमेशा पेनिट होती है, वेलोसिटी हमेशा पेनिट होती है। अगर स्पीड बढ़ रही है इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, स्पीड कम हो रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी। एक पार्टिकल कर्व कर रहा है, कर्व कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी फोर्स चेंज करती है, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर होती है। तो अगर पार्टिकल इस तरह से कर्व कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक फोर्स तो इधर होनी चाहिए एक नॉर्मल डायरेक्शन में, अगर स्पीड बढ़ रही है एक फोर्स इधर होनी चाहिए, स्पीड कम हो रही है एक फोर्स इधर होनी चाहिए, यानी कि टोटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल आना चाहिए। इस डायरेक्शन को अपन टेंशन बोलते हैं और इस डायरेक्शन को अपन नॉर्मल बोलते हैं। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल आता है थीटा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल आता है थीटा। तो एक्सीलरेशन के इस कंपोनेंट को टेंशन एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक कॉस थीटा, और नॉर्मल एक्सीलरेशन आएगा ए साइन थीटा, नॉर्मल एक्सीलरेशन आएगा ए साइन थीटा। तो टेंशन एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं एक्सीलरेशन लॉन्ग कर्व, ध्यान रखिएगा चाहिए। तो अगर टेंशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, तो टेंशन एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, अगर टेंशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलावा है तो यहां पे देखिएगा बेटा कॉस थीटा प्लस माइनस का हो सकता है, पर नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ सकती। तो अब देखते हैं डीवी बाय डीटी, अगर टेंशन एक्सेलरेशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी अलोंग द कर्व एज फंक्शन ऑफ टाइम स्पीड भी मिलेगी, ध्यान रखना वी पॉजिटिव भी आ सकता है वी नेगेटिव भी आ सकता है। बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, वेलोसिटी अलोंग द कर्व मिलेगा, उसका मतलब ये क्या है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव है, टेबल क्या सकता है, पार्टिकल सीधा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वापस चल रहा है, उसको स्पीड को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पार्टिकल ऐसे चल के वापस आएगा तो एक बार भी पॉजिटिव आएगा एक बार भी नेगेटिव आएगा, तो मतलब एक बार वेलोसिटी इधर आएगी एक बार इधर आएगी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इनके लिए वेलोसिटी विद बोथ प्लस एंड स्पीड विद बोथ प्लस एंड माइनस एंड, तो स्पीड तो पॉजिटिवली होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग द कर्व। तो एक बार इंटीग्रेट करने पे, एक बार इंटीग्रेट करने पे यू विल बी गेटिंग वेलोसिटी अलोंग द कर्व, दो बार इंटीग्रेट करने पे यू विल बी गेटिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये एटी इंटू डी, तो ये क्या आएगा वेलोसिटी अलोंग कर्व। बेटा ये बी को क्या लिखेंगे, इस v को क्या लिखेंगे ds by dt, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे v dt, तो बेटा दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट अलोंग कर्व। तो ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग कर्व का मतलब क्या होता है, पार्टिकल अगर ऐसे चल के वापस ऐसे आ रहे हैं तो ये l1 minus l2, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग कर्व, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग कर्व। छोटी छोटी चीजें को रिकॉल करनी है, छोटी छोटी चीजें रिकॉल करनी है, कहने का मतलब है
कर्नल मोशन के इक्वेशंस कैसे बनानी है, कर्नल मोशन के इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो मैं स्ट्रेट लाइन की मोशन को एक बार डिस्कस कर लेता हूं बेटा। दिस मोशन ऑफ द स्ट्रेट कर्व, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, मैं मोशन की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेता हूं, तो बेटा ये इक्वेशन आती है s = ut + 1/2 स्क्वायर is equal to u plus ad, v square is equal to u square plus 2a into s. तो यहाँ पे u क्या होता है? Velocity, ध्यान रखना। एक क्या होता है? Acceleration, एक direction में positive लेंगे, तो opposite direction में negative लेते हैं, फिर s distance नहीं देता है, s देता है displacement, ध्यान रखना, straight line पे displacement। तो यहाँ पे तो particle straight line में चल रहा है, normal acceleration है 0, यहाँ पे तो particle straight line में चल रहा है, normal acceleration है 0, तो आपको पता है, ये s displacement है, ये b वेलोसिटी है, ये स्पीड का स्केल है, ये ए एक्सप्रेशन है, एस डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर एक ही डायरेक्शन मूव करता है सेम आएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से पार्टिकल जब कर्व में मूव कर रहा है, कर्व में मूव कर रहा है, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व हो रही है वो सिर्फ कौन से पैरामीटर पे हो रही है? जो अराउंड कर्व है, एक्सप्रेशन ऑफ कर्व, वेलोसिटी ऑफ कर्व, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व। तो पार्टिकल जब भी कर्व में मूव करता है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन की तरह मानेंगे। तो यहाँ पे जो मोशन ऑफ द कर्व आएगी, दैट इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द कर्व, वेलोसिटी ऑफ द कर्व, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व को अलग होगा, ये ऐसे माइनस ऐसे। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है, ये आएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको देखने के लिए। एक पार्टिकल moves along short curve, एक particle एक short curve पे जा रहा है, फिर इसको कोई भी axis ले सकते हो, t equal to 0 पे particle यहाँ पे initial velocity इस direction में है, और potential acceleration है इस direction में, तो potential acceleration is constant and equal to 4 meters per second square, initial velocity है 60 meters per second, 60 meters per second, तो हमें यहाँ पे निकालना है first find distance and displacement along the curve in t equal to 0 to t equal to 6 seconds. t is equal to 0 से लेके is equal to 6 seconds तक कितना distance चलेगा और कितना ये कितना distance चलेगा और कितना displacement long कब आएगा, कितना distance चलेगा और कितना displacement long कब आएगा। तो हमें पहले देखना है equation of Cernan को use करना है, cost of good morning बेटा। तो initial velocity इस direction में, और potential acceleration हमेशा कितनी है, potential acceleration हमेशा कितनी है, 4 meters per second square। एक बार देखते हैं, तो जब भी curve की लोग motion करेंगे उसको एक statement मानना है, इसको मोशन क्या होती है प्लस कांस्टेंट माइनस 4 टी प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये कितना आ जाएगा 60 मीटर पर इनटू प्लस 60 प्लस 60, या तो सीधा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, a माइनस में आएगा, तो a क्या आएगा इनिशियल एक्सेलरेशन। तो फिर करेंगे जो v इज इक्वल टू u प्लस at है, कर्वे इनिशियल a क्या आ जाएगा इनिशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा यहां पे देख सकते हैं, जब हम सीधा देख लेते हैं ये स्पीड कितने टाइम पर जीरो होगी, बेटा स्पीड कितने टाइम पर जीरो होगी, जीरो होगी तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो यहां पे देख सकते हैं पार्टिकल इंस्टेंटेनियस टच, तो बेटा यहां पे देखते हैं हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 तक। तो बेटा इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी -4 2 + 16 कांस्टेंट का 0 माइक्रो, देख सकते हो। तो आप देख सकते हो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, जैसे t बढ़ता रहेगा, जैसे t बढ़ता रहेगा बेटा t इक्वल टू 8 पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, t इक्वल टू 8 पे देखोगे, अब दैट इज 8,
एक इंटर 64, एक इंटर एक टी इज इक्वल टू एक आएगा, टी इज इक्वल टू एक आएगा 64 इनटू 2, तो बेटा ये बिल्कुल जीरो आएगा, ये बिल्कुल जीरो आएगा क्योंकि 16 इनटू 8 बेटा 64 इनटू 2 आता है, 16 इनटू 8 16 इनटू 4 इनटू 2 तो ये आ जाएगा जीरो। तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो डिस्टेंस नहीं देगा और जैसे ये यूज जस्ट इज लॉन्ग कर्व, ये आपको क्या देगा डिस्टेंस इज लॉन्ग कर्व। तो जब भी आपको ये मोशंस पढ़नी है तो एक बात का ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में जीरो एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्या है, पहले से इसको कैलकुलस यूज करेंगे फिर उस तरह से कर्व पे अगर टेंशन एक्सेलरेशन जीरो पे ये क्वेश्चन आएगा इसी तरह भी अगर टेंशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वही क्वेश्चन लगेंगे तो बॉन्डिंग लगती है तो बॉन्डिंग लगते हैं बट वहां पे ए क्या हो जाएगा टेंशन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन बनाएंगे टेंशन एक्सेलरेशन इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी यूटी प्लस हाफ टेंशन एक्सेलरेशन इनटू पी स्क्वायर। अब कर रहे हैं तो हमें देखना है बेटा कितने टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगी, कितने टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगी, सॉरी कितने टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी, कितने टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी जो है एनी हाफ टाइम ऑफ लाइट बिल्कुल सर से। तो बेटा ये यहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के टी के देख ले 0 से 4 सेकंड तक पार्टिकल ऐसे जाएगा, 4 से 6 सेकंड तक पार्टिकल ऐसे जाएगा। तो बेटा पहले 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यूज के पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पूरे चेक s1 वो कितना आएगा यूज के बाय ट्वाइस इनटू टेंशन एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल के लिए ऊपर देखते हैं कितना चलने कितना डिस्टेंस चलने वाला है यहां पे कितना होगा यूज के बाय 2 इनटू टेंशन एक्सेलरेशन कितना होगा कर्व। तो ये कितना हो जाएगा यूज के लिए कितना हो जाएगा बेटा 16 इनटू 16 बाय 2 इनटू 4 तो कितना आ जाएगा 32 मीटर तो आ जाएगा 32 मीटर। तो 32 मीटर चलेगा ऐसे ही 32 मीटर चलेगा ऐसे। तो अगले 2 सेकंड में कितना वापस आएगा हाफ टी स्क्वायर, अगले 2 सेकंड में कितना वापस आएगा हाफ टी एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हाफ इनटू 4 इनटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। यहां पे डिस्टेंस कितना आएगा 32 प्लस 8 और डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग कर्व कितना आएगा 32 minus 8। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 32 plus 8 is equal to 40 meter और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 32 minus 8 ये कितना हो जाएगा बेटा 24 meters 24 plus 8 32। यहाँ पे इस चीज को जब हमने बार बार देखा था डिस्टेंस इज लॉन्ग कर्व का मतलब क्या होता है इस चीज को ध्यान देने कर रही है मोशन में सर्कुलर मोशन उसका एक स्पेशल सर्कुलर मोशन उसका एक स्पेशल केस है। अब चलते हैं एंगल वैल्यूज पे, अब चलते हैं एंगल वैल्यूज पे। अब हम चलते हैं एंगल वैल्यूज पे। तो बेटा चलते हैं ये पार्टिकल जो भी यहां से यहां तक चल रहा है ये पार्टिकल t प्लस dt तक अगर ये पार्टिकल ऐसे करके चल रहा है ये ओरिजिन है तो किसी भी टाइम t पे इस पार्टिकल क्वेश्चन ऑफ क्लियर होगा क्योंकि ओरिजिन ये है, किसी भी टाइम t प्लस dt पे पार्टिकल क्वेश्चन ऑफ क्लियर होगा ओरिजिन ये है टाइम t से प्रोबेबिलिटी करेगी। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा लाइक जब भी इसे रोटेट करती है एंड जब भी इसे रोटेट करती है अगर एक स्क्रू लोगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा एंगल डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है तो एंगल डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है और ये आएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o विल बी इक्वल टू
ध्यान रखते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ओजीपी का डिफरेंस का डिफरेंस एंगुलर डिस्टेंस तो लाइन की होगी लाइन के लिए दो पॉइंट बताने पड़ेंगे एक तो पार्टिकल एक ओरिजिन तो दूसरी बात देखते हैं अगर इस ओरिजिन की जगह ओरिजिन ये ली होती तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन क्या होता शुरू में ये पोजीशन एंटर होता बाद में क्या पोजीशन एंटर होता ये तो इस पार्टिकल की एंगुलर डिस्टेंस लीनियर तो यहां से यहां तक जाएगी एक ही रहेगी बट इस ओरिजिन के बहुत एंगुलर डिस्टेंस ही आएगी इस ओरिजिन के बहुत एंगुलर डिस्टेंस ही आएगी तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल हर ओरिजिन के बहुत सेम नहीं होती है तो जब हम एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं ये बताना पड़ेगा जरूरी होता है ओरिजिन नहीं तो लाइन के एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं तो लाइन के एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं पार्टिकल की जो भी एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं तो ओरिजिन बताना जरूरी होता है सिर्फ एक केस में नहीं सर्कुलर मोशन में अगर नहीं बताया तो ओरिजिन कहां पर देते हैं तो एंगुलर डिस्टेंस जब भी बोलते हैं पार्टिकल की ओरिजिन बताना जरूरी है एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन में यहाँ पे बेटा क्लियर आ रहा है वैभव क्लियर आ रहा है वैभव बेटा क्लियर है ऑडियो हाँ ठीक है तो जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले किसी भी पार्टिकल की तो ओरिजिन बताना जरूरी है क्योंकि इस ओरिजिन के बहुत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आएगा इस ओरिजिन के बहुत कम आएगा सिर्फ सर्कुलर मोशन में ओरिजिन बताने की जरूरत नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त क्योंकि वो हम सेंटर पे लेंगे वो हम सेंटर पे लेंगे तो दूसरा हम एक्सप्रेशन ये लिखते हैं दूसरा हम एक्सप्रेशन ये लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ तो कोई भी एक पार्टिकल है कोई भी एक पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है v कोई भी एक पार्टिकल है ये कैसे मूव कर रहा है ये कैसे मूव कर रहा है कोई भी एक पार्टिकल p है इसकी वेलोसिटी v ये है ओरिजिन तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट o का मतलब क्या होता है इस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी तो यहां पे हम ये ड्रा करते हैं ओरिजिन से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रा कर देते हैं ओरिजिन से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं ये है पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ये एंगल है थीटा इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर v cos थीटा ये क्या करेगा पोजीशन वेक्टर की लेंथ को बढ़ाएगा रोटेट नहीं करेगा तो दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एंगुलर वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट लेते हैं पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ये क्या आएगा v sin थीटा ये इसकी लेंथ बढ़ाएगा इसको रोटेट करेगा तो देखिए अगर ये वेलोसिटी नहीं है ये है तो लेंथ बढ़ेगी अगर ये नहीं है ये है तो लेंथ बढ़ेगी नहीं कम नहीं होगी तो ये लेंथ क्या करेगी रोटेट करेगी वेलोसिटी वेक्टर क्या करता है पोजीशन वेक्टर को चेंज करता है velocity vector को change करता है। एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसी भी वेक्टर पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड v sin थीटा बाय r इनटू यूनिट वेक्टर तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर क्या है r क्रॉस v तो क्या है r क्रॉस v बाय मॉड ऑफ r क्रॉस v बाय मॉड ऑफ r क्रॉस v तो बाय मॉड ऑफ r क्रॉस v लिखेंगे तो मॉड ऑफ r क्रॉस v कितना है r v sin थीटा तो यहां पे देखते हैं कि v sin थीटा कटेगा तो ये कितना आ जाएगा r cross v by r square तो बेटा किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे r cross v by r square इसकी जस्ट रोटेशन पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम कितना होता है m cross v बेटा r square को यहां पे लेके जाओ m के साथ मल्टीप्लाई करो m के साथ मल्टीप्लाई करो तो इस रिलेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं r cross omega will be equal to r cross v तो इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी रोटेशन में m के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंगुलर मोमेंटम m r cross v m के साथ मल्टीप्लाई करोगे m r square i ओमेगा वो भी एंगुलर मोमेंटम है तो m r cross v और i ओमेगा दोनों रिलेशन सेम है पार्टिकल के दोनों रिलेशन अलग अलग नहीं है तो हम कभी मानते हैं कि अलग अलग रिलेशन है नहीं दोनों बेसिकली सेम है
बेटा कुछ क्वेश्चंस हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा, ये क्वेश्चंस हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल इस ओमेगा। कोई भी पार्टिकल है इस सर्कल को मूव कर रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बेटा। ओ सेंटर है, ओ डैश पेरिफेरल पे एक पॉइंट है, ओ सेंटर है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ओ डैश, ओरिजिन ओ डैश। बेटा एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल जब कोई नहीं बताया गया, कुछ ओरिजिन नहीं बताई गई, तो किसके ऊपर आएगा? सेंटर। तो ये पार्टिकल जब भी यहाँ पे है, ये पार्टिकल जब भी यहाँ पे है, डिट टाइम ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो इस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? थीटा। इस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस पॉइंट ऑन पेरिफेरी कितनी आएगी? डी थीटा बाई टू। तो इस पार्टिकल की इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आएगी डी थीटा बाई डी टी, इसके अबाउट आएगी हाफ ऑफ डी थीटा बाई डी टी। तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो पेरिफेरी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी? ओमेगा बाई टू। तो देख सकते हैं कोई भी आर्क अगर सेंटर में जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट करती है, पेरिफेरी पे कितना करती है? हाफ। तो इसकी एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? ये लाइन कितने से मूव किए, इसकी एंगल डिस्प्लेसमेंट किए बाय डीटी, अगर पार्टिकल ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल विद स्पीड वी, मूव्स अलोंग ए सर्कल विद स्पीड वी। ओ इज ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कल as shown. Find angular velocity of particle P about इसको कीजिएगा just take one of them simply strike
बेटा यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सर्कल को इस तरह से बनाते हैं, सर्कल को इस तरह से बनाते हैं, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो डायग्राम्स हमेशा 2D ड्रॉ करने हैं। बेटा यहाँ पे पार्टिकल को लेते हैं बाहर जा रहा है वी वेलोसिटी से, यहाँ पे पार्टिकल को लेते हैं अंदर जा रहा है, ये रेडियस है आर, ये सर्कल का डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर है। तो आधा सर्कल अंदर है, आधा सर्कल ये बाहर है, आधा सर्कल बोर्ड के उस साइड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बोर्ड के नॉर्मल। तो ये लेते हैं ओरिजिन ओ, डायग्राम्स जब भी ड्रॉ करने हैं तो बेटा इस ओरिजिन को लेना है, ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर। तो ये जो सी वेलोसिटी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के हर लाइन के नॉर्मल है, तो इसके भी लाइन नॉर्मल, इस लाइन के भी नॉर्मल आएंगी, तो ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है नॉर्मल, तो इसका कंपोनेंट ये खुद होगा, इसका कंपोनेंट ये खुद होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा v बाय बेटा ये डिस्टेंस h है और ये r है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। इसकी एंगल वेलोसिटी कितनी आएगी पार्टिकल की, अगर सिर्फ एंगल वेलोसिटी बोली जाती तो बोर्ड सेंटर आती है, सर्कल पे मूव कर रहे हैं तो v बाय r आती है, तो जैसे ओरिजिन को शिफ्ट करते जा रहे हैं, जैसे ओरिजिन को शिफ्ट करते जा रहे हैं, इस पार्टिकल की एंगल वेलोसिटी कम होती जा रही है, इस पार्टिकल की एंगल वेलोसिटी कम होती जा रही है, और जरा ध्यान देना डायरेक्शन पे, v क्रॉस r की डायरेक्शन क्या आएगी, बेटा v ऐसे है और r ऐसे है, तो v ऐसे है और r ऐसे है, तो v क्रॉस r, एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा v क्रॉस r, तो ये इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, तो एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी यहां पे, एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी इसके अबाउट, एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे आएगी। तो जैसे ओरिजिन को शिफ्ट करते जा रहे हो, जैसे ओरिजिन ये है तो एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो जैसे ओरिजिन शिफ्ट करते जाओगे एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज करती जाएगी, पोजीशन वेक्टर के नॉर्मल होती जाएगी, तो एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी भी नॉर्मल है तो बॉडी प्लेन में, और पोजीशन वेक्टर भी नॉर्मल है, ध्यान रखना। बिकॉज बेटा वो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, v क्रॉस r, हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देखते हैं ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये है r, तो एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी, r क्रॉस v, एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी, r क्रॉस v से, तो एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन r की भी नॉर्मल होगी, v की भी नॉर्मल होगी, तो v बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इसकी नॉर्मल आएगी। तो देखते हैं जैसे ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, पोजीशन में रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट, एंगल वेलोसिटी वेक्टर भी रोटेट करता जा रहा है। इसके बाद सर्कुलर मोशन के हम सारी चीजों को एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स और सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स फॉर सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, ओरिजिन हम यहां पे लेते हैं, ये है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा dr वेक्टर / dt। तो यहां पे मैंने कुछ बातें याद करने के लिए बोली थी, यहां पे मैंने कुछ बातें, बेटा सर्कल मोशन में आपको पूरा रिवाइज करना है, मैं सिर्फ वेक्टर वाली चीजें दोबारा करा देता हूं, क्योंकि बाकी सारी चीजें 1D मोशन की तरह है, बाकी सारी चीजें 1D मोशन की तरह ही है। तो वेक्टर की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं एक बार फिर से करा देता हूं। बेटा रोटेटिंग वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, रोटेटिंग वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में लगेगा, सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा कोई भी एक पोजिशन, कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर कैसे चेंज करता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे। तो मैं यहाँ पे इस चीज को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, अगर सिर्फ टाइम के साथ चेंज करता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो टी टाइम पे वेक्टर इतना है, टी प्लस डी डी पे वेक्टर कितना हो जाएगा ए, और कितना इंक्रीज हो जाएगा डी, ये वेक्टर ए कितना इंक्रीज हो जाएगा डी। तो अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो बेटा जो चेंज आएगी उसी डायरेक्शन में आएगी या अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो वेक्टर रोटेट करेगा, ये वेक्टर टी टाइम पे ए है, टी प्लस डी डी पे, टी प्लस डी डी पे, टी प्लस डी डी पे,
अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए रहेगा, ये किस तरह रोटेट करेगा डी थीटा, ये किस तरह रोटेट करेगा डी थीटा। तो बेटा चेंजिंग वेक्टर कितना आएगा, चेंजिंग वेक्टर कितना आएगा, ये है इनिशियल वेक्टर, ये है फाइनल वेक्टर। बेटा चेंज कितना आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो चेंज कितनी आएंगी बेटा डी वेक्टर, तो चेंज कितनी आएगी डी वेक्टर। तो देख सकते हो बेटा सीधी सी बात है, अगर किसी को डाउट पड़ रहा है ये ओरिजिन है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर का डिफरेंस कितना आता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है यहां से यहां तक। तो अगर ये इनिशियल वेक्टर है ये फाइनल वेक्टर है तो दोनों की चेंज कैसे आएगी, यहां से यहां तक ना कि यहां से यहां तक। तो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा और बहुत कम टाइम में ये रिजिडस रोटेट करेगा तो ये डिफरेंस कितना आएगा बेटा, इसको लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ करेंगे सेम आएगी, तो इस डी का मैग्नीट्यूड आएगा ए डी थीटा, ए डी थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कोई भी वेक्टर ए है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर। ये कोई भी एक वेक्टर है ए, कोई भी एक वेक्टर है ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो अगर वेक्टर चेंज कर रहा है सिर्फ रोटेट कर सकता है, तो अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं ओमेगा। तो डी ए बाई डी टी किस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए इंटू ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए इंटू ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ ए नॉन रोटेटिंग वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ ए नॉन रोटेटिंग वेक्टर। बेटा ये वेक्टर ए है किसी भी टाइम टी पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है ए वेक्टर और कितनी इंक्रीज आ जाती है डी। तो यहाँ पे आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा डी बाई डी, और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी वही आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो कोई भी वेक्टर रोटेट करता है, कोई भी वेक्टर रोटेट करता है, ये मैंने क्लास में पूरा कराया था तो एक बार फिर से भी देख सकते हो, डी टाइम डी से रोटेट करेगा जो वेक्टर का डिफरेंस आएगा इस टिप से इस टिप के बीच की लेंथ आएगी वो कितना आएगा ए डी थीटा। तो वेक्टर की चेंज ए डी से आएगी तो बाई डी करेंगे डेरिवेटिव के, ए डी से बाई डी, डी से बाई डी कितना आएगा ओमेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है डी आर बाई डी टी, तो बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी आर वेक्टर है किसे रोटेट कर रहा है एंगल वेलोसिटी ओमेगा से, ये आर वेक्टर किसे रोटेट कर रहा है एंगल वेलोसिटी ओमेगा से, एंगल वेलोसिटी ओमेगा से। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा आर इंटू ओमेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो बेटा ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, देखिए रोटेटिंग वेक्टर है, तो डी आर बाई डी टी, तो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ डी आर बाई डी टी का डेरिवेटिव कितना आएगा आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। तो आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, आर वेक्टर को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है वेलोसिटी वेक्टर। तो आर वेक्टर को जब डिफरेंशिएट करते हैं हमें क्या मिलता है वेलोसिटी वेक्टर, इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो ये कितना आएगा बेटा वी, ये कितना आएगा वी, ये कितना आएगा बी। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं, तो बेटा हम वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं, ये रोटेटिंग वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो पोजीशन वेक्टर डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे रोटेट कर रहा है। तो शुरू में वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, कुछ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, कुछ टाइम पर इसका डिफरेंस कैसे आएगा इस तरह से। तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना अगर रोटेटिंग वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहां पे dv/dt को डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा v * ओमेगा। तो किसी भी वेक्टर a जिसका मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा a * ओमेगा, यहां पे v है v * ओमेगा। तो बेटा यहां पे एक्सप्रेशन किस डायरेक्शन में आएगी, यहां पे एक्सप्रेशन किस डायरेक्शन में आएगी v * ओमेगा, v * ओमेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा को लिख सकते हैं v स्क्वायर / r, v स्क्वायर / r जब v को r ओमेगा स्क्वायर को r into omega square। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, बेटा रिलेशन बिटवीन, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन v r एंड omega फॉर सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। बेटा ओमेगा कितना होता है v into r, तो मुझे दो रिलेशन बताइएगा v वेक्टर को क्या लिखूं, r क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r, कौन सा रिलेशन सही है और कौन सा गलत है। तो बेटा यहाँ पे हम वेक्टर्स के बीच में रिलेशन लिखना शुरू करते हैं, डेरिवेटिव्स को हमने रिकॉल कर लिए, तो इसकी इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखनी है, स्केलर फॉर्म में हम सबको पता है इसके डेरिवेटिव्स वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे लिखने हैं। तो बेटा एक बार देखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो पता है ओमेगा इस डायरेक्शन आएगा, ओमेगा और आर बेटा अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ है, ओमेगा और नीचे परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड आएगा ओमेगा इनटू आर, तो ओमेगा आ जाएगा वी बाय आर। तो आपको देखना है आर क्रॉस ओमेगा, बेटा आर ऐसे है ओमेगा ऐसे है, तो आर क्रॉस ओमेगा ऐसे आएगा वी का ऑपोजिट ओमेगा क्रॉस आर। तो बेटा ओमेगा क्रॉस आर इस डायरेक्शन आएगा तो ये रिलेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी और इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पार्टिकल जब भी सर्कल में मूव करेगा ना यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में लिया हुआ, तो आर वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। वी वेक्टर एक रोटेटिंग वेक्टर है, अगर स्पीड चेंज कर रही है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, तो आर वेक्टर का तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी मैग्नीट्यूड नहीं करेगा। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, पर जब तक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम कर रहा है तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो एक काम करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहला रिलेशन ऐसे लेते हैं, दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dt कितना आएगा, डी ओमेगा/डीटी क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस dr/dt dr वेक्टर बाय dt। तो d ओमेगा बाय dt बेटा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो d ओमेगा बाय dt क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये आएगी टोटल एक्सीलरेशन, ये कितना आएगा अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v। तो बेटा ये वाला पोर्शन क्या होगा टेंशन एक्सीलरेशन, और ये वाला पोर्शन क्या होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिस विल बी टेंशन एक्सीलरेशन वेक्टर प्लस दिस विल बी
तो बेटा ये कुछ वेक्टर रिलेशंस है, इनको जरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा अल्फा क्रॉस आर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अल्फा आर साइन थीटा। अब ध्यान रखते हैं ओमेगा वेक्टर इस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जब भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जब देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, ध्यान रखते हैं कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, चेंज नहीं कर रहा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर बढ़ रहा है तो इसका डेरिवेटिव इसी डायरेक्शन में होगा, अगर वेलोसिटी वेक्टर घट रहा है तो इसका डेरिवेटिव इसी डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल उसी तरह से एंगल वेलोसिटी इस तरह से है। अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो अल्फा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो अल्फा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अल्फा आर के बीच में एंगल 90 रहेगा, अल्फा आर के बीच में एंगल 90 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आर इंटू साइन 90, बिल्कुल उसी तरह से ओमेगा वेक्टर और वी के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा, ओमेगा और वी के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू बी। तो जब भी हम डेरिवेटिव्स लेते हैं फिर फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है, अगर बेसिक मैथ्स लगाएं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स जो मैंने क्लास में कराया था उसको एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा। बेटा r क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा क्रॉस r होगा, r क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, r क्रॉस ओमेगा वी के ऑपोजिट आएगा। देखो r ऐसे आएगा और ओमेगा अंदर की तरफ है, क्योंकि ऐसे जाएगा ना ओमेगा अंदर की तरफ है, r क्रॉस ओमेगा वी के ऑपोजिट आएगा, ओमेगा क्रॉस r होता है। एक्चुअली इसी लिखा है कि डाउट में r क्रॉस लिखते हैं ना तो r क्रॉस आ जाएगा, वो ओमेगा क्रॉस r होगा। बेटा कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ रिकॉल करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ रिकॉल करने के लिए। तो सारे वेक्टर्स पे आधारित है, अभी सारे वेक्टर्स पे आधारित है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल सो दैट its acceleration is always directed, towards point P. Its acceleration is always directed towards point P. बेटा मैं मंडे से काम करूंगा, आपके जितने भी लेक्चर्स हैं ना उसको ऑनलाइन डाल दूंगा, क्योंकि ये कुछ कुछ कभी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होती है तो सुबह को दिक्कत आती है, तो व्हाट आई डू इज कि मैं पहले से रिकॉर्ड करके उसको सुबह डाल दूंगा। तो बेटा नेक्स्ट ये मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको साइट देता हूँ, तो पहले मेरी साइट पे जाना फिर ऑफिशियल साइट पे जाना, अगर ऑफिशियल पे नहीं मिले तो मेरी साइट पे देख लेना, क्योंकि कई बार ट्रांसफर पे टाइम होता है तो मैं अपनी साइट पे अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपके पूरे लेक्चर एक साथ होंगे तो आप कैसे भी करके देख सकते हो। तो बेटा ये टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत तंग करती हैं, तो बेटा वो डिले वगैरह ना बिकम्स बिट प्रॉब्लमेटिक, तो मैं भी इसको वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता हूँ तो टाइम से पहले हो जाएंगे। सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट पी। बेटा ये एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये डायमीटर है, सेंटर ओ है, ये कोई भी पॉइंट पी है। बेटा ये पॉइंट लेता हूँ ए, ये लेता हूँ ए, ये लेता हूँ बी, ये पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं, ये पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं, ये है अपर हाफ, ये है लोअर हाफ सर्कल, ये है अपर हाफ सर्कल, ये लोअर हाफ सर्कल, ये पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं सर्कल में मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल ऐसे करके सर्कल में मूव कर रहे हैं, ताकि इसकी एक्सेलरेशन हमेशा पी की तरफ रहे। इंडिकेट द पोर्शन ऑफ मोशन वेयर इट्स स्पीडिंग, तो यहाँ पर निकालना है when does particle speed up, second speed down, तो कितनी motion के लिए particle speed up करता है और कितनी motion के लिए particle speed down करता है, तो इसकी speed कब बढ़ती है और इसकी speed कब कम होती है। तो बेटा शाम की क्लासेस तो मैं रेगुलरली लूंगा वहीं पे क्लास में, शाम की क्लासेस तो मैं वहीं पे लूंगा, ये सुबह की लेक्चर्स है, बेटा इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा।
मंडे ऑनवर्ड्स आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेंगी सुबह की क्लास की, शाम की क्लासेस जो मॉडल की डिस्कस की है बेटा वहां पे रेगुलर शेड्यूल में चलेंगी। हाँ बेटा वो मॉडर्न फिजिक्स के रिव्यू शेड में चलेगी, बाद में हम वहाँ पे सिर्फ वर्किंग करेंगे, क्लासेस नहीं करेंगे। तो आगे क्लास का क्या करना है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बेटा इसका एक्सप्रेशन हमेशा किस तरफ है, इसकी एक्सप्रेशन है इस तरफ, तो हमें पता है वेलोसिटी और एक्सप्रेशन के बीच में एंगल क्यूट है तो पार्टिकल स्पीड अप करता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल एक्यूट है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो पार्टिकल स्पीड डाउन करेगा। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स पी, दोनों के बीच में एंगल है 90। तो जैसे पार्टिकल ऊपर आया तो बेटा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगी तो ये एंगल आता 90, तो ये एंगल 90 से कम है। तो पार्टिकल को यहां पे भी ले लो, पार्टिकल को यहां पे भी ले लो, तो बेटा वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल आता 90। अब एंगल 90 से कम आ रहा है तो पार्टिकल जब भी ऊपर जा रहा है ऊपर हाफ में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 से कम आ रहा है, तो अपर हाफ एंगल बिटवीन वी एंड ए इज एक्यूट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो एंगल एक्यूट आएगा तो स्पीड अप करेगा, बिल्कुल नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी इस तरफ है बेटा, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ होती तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में एंगल आता 90, बट एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ, तो एंगल 90 से ज्यादा है, तो एंगल 90 से ज्यादा है। लोअर हाफ एंगल बिटवीन वी एंड ए इज ऑब्ट्यूज। तो बेटा यहाँ पे अपर हाफ में स्पीड अप करेगा और लोअर हाफ में स्पीड डाउन करेगा, लोअर हाफ में स्पीड डाउन करेगा। तो यहाँ पे तो इसमें पूछ सकते हैं स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे आएगी और मिनिमम कहाँ पे आएगी, अब मेरे बात को ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है स्पीड अप कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम आएगी, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम आएगी और यहाँ पे स्पीड मिनिमम आएगी। अब इस क्वेश्चन पे और भी सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में दिए जा सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन पे कराया था, इस पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है, ये एक सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है कि फोर्स हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, फोर्स एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस पे फोर्स की नेचर भी पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में, आप फोर्स की नेचर निकाले वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल आएगा, अगर हम चाहें फोर्स की नेचर क्या होगी तो वो भी निकल आएगा। क्योंकि सेंट्रल फोर्स में हम क्या करते हैं, एंगल मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, एंगल मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है सेंट्रल फोर्स पे, एंगल मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे वी क्रॉस आर हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, वी क्रॉस आर हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ दी जाए, ये लेंथ और ये लेंथ दी जाए तो एंगल मोमेंटम की वैल्यू आ सकती है, तो वहां से हम इक्वेशन मोशन डिराइव कर सकते हैं, इक्वेशन मोशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस पे ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन भी इस क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। बेटा हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं सर्कल मोशन के, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमने अभी तक काइनेटिक्स की चीजें देखी थी, काइनेटिक्स की चीजें देखी थी, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। When does पार्टिकल मूव अवे और towards a point O, towards a point O, किस टाइम पार्टिकल, बेटा कोई भी पार्टिकल है ये है ओरिजिन O, तो ये पोजिशन वेक्टर है। तो आपको पता है अगर वेलोसिटी वेक्टर पोजिशन वेक्टर के अवे हो तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर जाएगा, अगर पोजिशन वेक्टर ओरिजिन की, अगर वेलोसिटी वेक्टर पोजिशन वेक्टर के ऑपोजिट हो तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल है थीटा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर का ये कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और ये कंपोनेंट रोटेट करेगा, ये कंपोनेंट रोटेट करेगा। तो हम सब देख सकते हैं अगर थीटा एक्यूट है वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर एक वो मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, यानी कि पी ओ
से अवे जाएगा। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो लिख सकते हैं इफ थीटा इज एक्यूट, इफ थीटा इज एक्यूट पी मूव्स अवे फ्रॉम ओ, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज पी मूव्स टुवर्ड्स ओ। अगर पी 90 डिग्री है तो अगर पी हमेशा 90 डिग्री है जो सर्कल मोशन आएगी, अगर पी हमेशा अगर थीटा हमेशा इफ थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज कॉन्स्टेंट। अगर थीटा किसी इंस्टेंट पे 90 डिग्री है तो उस टाइम पे ओपी या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ध्यान रखना है इफ थीटा इज 90 डिग्री एट एन इंस्टेंट ओपी इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ओपी इज either maxima or minima। देख सकते हैं प्लैनेटरी मोशन में यहां पे वेलोसिटी ऐसे है और ये पोजिशन वेक्टर ऐसे है। जरा देखते हैं बेटा पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है तो पी और ओ का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पी और ओ का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहां पे आएंगे वेलोसिटी ऐसे आएगी और पोजीशन वेक्टर से आएगा एंगल आएगा 90। तो ये सन है ये अर्थ है, इनके बीच में डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, इनके बीच में डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। जैसे यहां पे आते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर से ही आएगा वेलोसिटी वेक्टर ऑप्टिस हो जाएगा तो डिस्टेंस कम होना शुरू होगा। तो यहां पे आएंगे बेटा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे पोजीशन वेक्टर ऐसे, ये एंगल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे और पोजीशन वेक्टर ऐसे। तो यहां पे बेटा 90 यहां पे 90 यहां पे 90 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये एंगल 90 से ज्यादा है, फिर कम होके वापस 90 पे आएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे आएगा और पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, यहां पे एंगल 90 आएगा। तो जहां पे वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर डिस्टेंस कम होके बढ़ रहा है मिनिमम होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ के कम हो रहा है तो मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखते हैं अगर थीटा और पी के बीच में अगर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, अगर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 है तो सर्कुलर मोशन है, अगर किसी इंस्टेंट पे 90 है तो उस टाइम पे ओपी मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। उस क्वेश्चन में ध्यान देना। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के पॉइंट्स में वेक्टर कंडीशंस ये है, वेक्टर कंडीशंस बिल्कुल यही है। कुशल अगर मैं कॉलिजियंस कराऊंगा तो अब एक क्वेश्चन पूछोगे सर्कुलर मोशन का टॉपिक होगा। नहीं नहीं कुशल मुझे आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, अगर मैं अभी कॉलिजियंस कराना शुरू करूंगा तो अब ये पूछोगे ना सर्कुलर मोशन कब होगा, तो मैं दोनों ही बंद कर देता हूं। मेरे पास ऑप्शन क्या है, नहीं आप मेरे प्रश्न का उत्तर सोच के जब मर्जी देना, साल दो साल में कभी भी दे देना बेटा, थोड़ा सोच के पूछना चाहिए। बेटा मैं भगवान नहीं हूं कि सारी चीजें मेरे हाथ में है, जितना मेरे हाथ में होता है मैं कर देता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। अब कैमरे की बैटरी की जगह मैं घुस के कैमरे को ऑन नहीं कर सकता हूँ, जैसे कल प्रॉब्लम आई है तो आई कांट डू इट, उसका सॉल्यूशन ही निकाल सकता हूँ, सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो यू नो सर्टेन थिंग्स आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं क्या करूंगा यार, मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइम पर पूछोगे और फिर आप पूछोगे जैसे अभी मेरे ऑफिस में पूछते रहते हैं एक घंटे में सर्कुलर मोशन रिवाइज हो जाएगा, बेटा कैसे होगा
नहीं, मुझे पता क्या होगा, मुझे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई एक ही बंदा है, कोई और नहीं पूछता, मैं नाम नहीं लूंगा। सर 2 घंटे में आप ये पूरा कर दोगे, ये पूरा कर दोगे, मुझे टेंशन हो जाती है। कुशल मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं डेली इस बात को फेस कर रहा हूँ, तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ 1 हफ्ते से। सर आपने पूरा खत्म कर दिया है? अरे मैं एक बात पूछूंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो रिवाइज कर सकता हूँ, 2 घंटे में 2 लेक्चर्स पे पूरा दोबारा कैसे कर सकता हूँ? नहीं सर, कुछ बच्चों ने किया नहीं है, कुछ बच्चों ने किया नहीं। बेटा मैं उसका रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, मेरे पास अभी बेटा 3-4 बजे वो आया है, रात को आया नहीं था, तो इसको अभी ना इसके बाद दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, क्योंकि रात भर कैमरा नहीं था मेरे पास। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, बेटा आज मैं पूरा ट्राई करूंगा, क्योंकि 1 से 3 मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद शाम की क्लास लेनी है, तो इस क्लास के बाद जितना भी हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वो मैं कर दूंगा अभी। बेटा मैं रात को कर देता, मेरे पास बैटरी नहीं थी कल, तो देयर वाज नो वे आई कुड रिकॉर्ड। हाँ कुशल एक काम करना, शाम को आ जाना यहाँ पे। कुशल मैंने शायद ये मैसेज डाला था, बात की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, केदार को भी बोल देना। बेटा 6 बजे मॉडल फिजिक्स स्टार्ट हो रही, मैं जो बोलना भूल गया था केदार को भी, मेरे से वो गड़बड़ हो गई थी, तो केदार को मैं मैसेज डाला नहीं डाला भूल गया हूँ, तो प्लीज अगर केदार से कॉन्टेक्ट है केदार को बोलना शाम को 6 बजे काबला नगर में। बेटा काबरा नगर, अच्छा केदार है, बहुत बढ़िया। बेटा वो सेमीकंडक्टर फेज को मेरे दिमाग से उतर गया था, मैं बोल नहीं पाया था उन लोगों को। बेटा अब कुछ डायनेमिक्स के क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, अब कुछ डायनेमिक्स के क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। बेटा कोनिकल पेंडुलम काफी तरह से इंपॉर्टेंट है, कोनिकल पेंडुलम काफी तरह से इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो एक बार कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। बेटा एक बार कोनिकल पेंडुलम, बेटा वर्टिकल लाइन है, बेटा एक थ्रेड है, ये अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा वर्टिकल लाइन के अबाउट, तो ये लाइन एक कोण जनरेट करती है, ये लाइन एक कोण जनरेट करती है, ये लाइन एक कोण जनरेट करती है, तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा? बेटा ये पार्टिकल है, ये जो भी पार्टिकल है जिसपे हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव करेगा, तो कोनिकल पेंडुलम में व्हेन दिस मूव्स इन सर्कल, तो इसकी इक्वेशन ट्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा इस सर्कल को इस तरह से बनाते हैं, ये सर्कल का रेडियस है, ये कोण है, इस पे एक फोर्स पड़ रही है mg, ये आधा सर्कल बाहर की तरफ आएगा और आधा सर्कल अंदर की तरफ आएगा, अपन 3 डायमेंशन ड्रॉ करेंगे, ये कोण की स्लैंट लेंथ है, ये कोण की एक्सिस है और ये कोण के बेस का रेडियस है, तो इस स्लैंट लेंथ को लेते हैं l, इस स्लैंट लेंथ को लेते हैं l, तो इस पे एक फोर्स पड़ेगी डाउनवर्ड्स, एक फोर्स पड़ेगी डाउनवर्ड्स, एक फोर्स पड़ेगी t। अब हम देखते हैं क्योंकि सर्कल मोशन कर रहा है, सम ऑफ ऑल द फोर्स शुड बी सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी सेंटीपेटल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखना अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स हो जाएगी 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं उसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगी 0, तो मैं इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देता हूं, मैं इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देता हूं m ओमेगा स्क्वायर r, क्यों? ये r रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है, अभी लगा देता हूं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगी 0, अभी ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, अभी ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा t cos θ और ये आ जाएगा t sin theta, तो एक इक्वेशन तो बनती है, एक इक्वेशन तो बनती है t cos theta will be equal to mg, दूसरी इक्वेशन बनेगी t sin theta will be equal to m omega square r, m omega square r, तो बेटा एक इक्वेशन बनेगी t cos theta will be equal to mg और दूसरी इक्वेशन बनेगी t sin theta will be equal to m omega square r, तो बेटा यहां पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये हमारा ओमेगा कितना आएगा, ये हमारा ओमेगा कितना आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं tan theta will be equal to, तो बेटा tan theta कितना आ जाएगा, tan theta will be equal to omega square r by g, omega square r by g, तो यहाँ पे देखते हैं ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा कितना आएगा, बेटा ओमेगा will be equal to g tan theta, g tan theta यानी कि r cot theta, इसे लिख देता हूँ r cot theta, ऐसे लिख देता हूँ, तो बेटा ये अगर r है
ये अगर थीटा है तो ये h, देखते हैं h बाय r, h बाय r कितना आएगा cot थीटा, h कितना आ जाएगा r cot थीटा, ये कितना आ जाएगा g बाय h अंडर रूट, g बाय h अंडर रूट। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आएगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आएगा 2 पाई h बाय g। इसका मतलब कोई भी पेंडुलम का टाइम पीरियड बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह होगा, तो उसमें लेंथ ऑफ पेंडुलम आता है, इसमें क्या आएगी हाइट ऑफ पेंडुलम। तो यहां पे जरा ध्यान रखिएगा, अरे बेटा बिल्कुल आना है ना, वो बोल रहा हूं ना एकदम आना है बेटे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आना है नहीं आना है आपकी मर्जी, आना है आपकी मर्जी नहीं आना है। वो एक्चुअली में प्रणव बिल्कुल शाम को छिप जाना है, ठीक है। मैं एक्चुअली शर्म इसलिए कर रहा हूँ, उसके पीछे प्रॉब्लम है, मैं पिछली बार एक्सप्लेन किया था, मेरी बात को मतलब गलत मत लेना, मैं सेलेक्टिवली क्यों बोल रहा हूँ पब्लिक में, क्योंकि बेटा अभी ना कोरोना की वजह से कई पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हाँ तो पेरेंट्स कई परमिशन नहीं दे रहे, तो मैं अगर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ ना तो बेटा वो परमिशन की ट्रबल आ रही है, तो अगर मैं बोलूँगा आना है तो कुछ पेरेंट्स को बुरा लग रहा है। बेटा मैं गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ, मेरे बच्चे को स्कूल में बुलाया जा रहा है, मैं नहीं भेजता हूँ, देख तो मैं टीचर बाद में हूँ पेरेंट्स पहले, तो वो पता है आने के लिए बोलना थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है इस टाइम पे, थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा वो ना। अभी अगर आप पेरेंट होंगे तो मेरी बात को समझ लेंगे, किसी को बोलना कि बच्चे को भेजना है तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, और दूसरा बेटा ऑफिस में विलिंगनेस लेटर है, मैं बीइंग टीचर नहीं बोल सकता, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कंसेंट लेटर एक इंस्टीट्यूट मांग सकता है, बीइंग टीचर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहा हूँ वहाँ पे क्लास, तो बेटा को मेरा बोलना सही नहीं लगता है। तो जैसे रेगुलर क्लासेस होगी तो अलग है, तो बेटा टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, बेटा कॉनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई h बाय g। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना था, ओमेगा स्क्वायर कितना था g by h अंडर रूट। अब इसके फिजिकल मतलब कितने होंगे, इसके फिजिकल मतलब कितने होंगे, हम इस बात को देखते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम इस पे होते हैं, हम ध्यान से नहीं देखते। तो किसी भी एक पेंडुलम को यहाँ पे लेके, किसी भी एक पेंडुलम को यहाँ पे लेके, बेटा किसी भी पेंडुलम को यहाँ पे लेके, अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसकी हाइट नीचे है, अगर इसको एंगल ऑफ सेल लिया अंडर रूट g by h, तो ये सर्कल में मूव करेगा, तो ये सर्कल में मूव करेगा, इसका मतलब ये है। अगर एंगल वेलोसिटी अंडर रूट g by h से ज्यादा नहीं जाए तो सर्कल में मूव करके ऊपर उठेगा, तो घूम के ऊपर उठेगा। अगर एंगल वेलोसिटी अंडर रूट g by h से कम नहीं जाए तो घूम घूम के नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर्कल मोशन में सिर्फ तभी घूमेगा जब इसकी एंगल वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट g से ज्यादा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी पड़ेगी। तो जैसे ही ओमेगा अंडर रूट g के बराबर होगा, जैसे ही ओमेगा अंडर रूट g के बराबर होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाकी सारी फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ये सर्कल में मूव करेगा। तो अगर ओमेगा अंडर रूट g से ज्यादा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, ये ऊपर भी उठ जाएगा, ये ऊपर भी उठ जाएगा, घूमेगा भी और ऊपर भी उठेगा। अगर ये वेलोसिटी एंगल वेलोसिटी अंडर रूट g से कम भी जाए तो बेटा ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है बेटा कॉनिकल पेंडुलम है, ये कॉनिकल पेंडुलम है, ये सीलिंग है, ये सीलिंग है, यहाँ पे एक बॉल लगा देंगे, इसका मास m है बेटा, ये है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हाइट है h, ये हाइट है h,
moves in a circle on top of smooth horizontal plane on top of smooth horizontal plane. बेटा यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है दीवार पे, छत है, यहाँ पे धागा है, सीलिंग और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में डिस्टेंस है h. तो बॉब मूव्स इन सर्कल ऑन टॉप ऑफ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी सो दैट find the angular velocity so that horizontal plane offers no normal reaction to bob. तो बेटा हमें ये करना है, ये ग्राउंड पे है, तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, और धागा टाइट है, तो हम चाहते हैं इसकी वो एंगुलर वेलोसिटी निकाले ताकि ग्राउंड इसको नॉर्मल डायरेक्शन ना दे. तो ग्राउंड इसको नॉर्मल डायरेक्शन ना दे मतलब ग्राउंड के कोऑर्डिनेट में, तो ग्राउंड को हटा ले वैसे मूव करता रहे. कहने का मतलब है ग्राउंड को हटा ले ये वैसे मूव करता रहे. तो बेटा इसको सोच समझ के इसका आंसर निकालेगा. तो फिर एक बार कोने का सर्विस भी देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस करा रखे, एक बार फिर से हम देखते हैं. तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये हाइट h है तो इसको एक एंगल वेलोसिटी देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g बाय h. तो वेलोसिटी ऐसे लेंगे, एंगल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी, कैसे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. वेलोसिटी ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं. तो अगर इतना दिया तो इस सर्किल में मूव करेगा, अगर ये इससे कम दिया तो बेटा नीचे आके इस सर्किल में मूव करने की कोशिश करेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी इसे ज्यादा दी जाए तो ऊपर मूव करेगा. तो एक बार पता है अगर यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच बाई दिया है, तो बेटा ग्राउंड हो या ना हो ये तो इस सर्किल मूव करेगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट जी एच से जेट पाई से कम कर दिया ग्राउंड है, ये नीचे अपने कोशिश करेगा पर ग्राउंड आने नहीं देगा, तो उसी में सर्किल में मूव करेगा, बट अगर ओमेगा अंडर रूट जी एच से बढ़ा दिया तो ऊपर उठ जाएगा. तो ओमेगा अगर अंडरूट जी बाय h है तो जस्ट कॉन्टेक्ट लूज करेगा, जस्ट नॉर्मल डायरेक्शन जीरो हो जाएगी. तो कहने का मतलब है अगर नीचे जमीन नहीं होती, ओमेगा अंडरूट जी बाय h आता तो इस सर्किल में मूव करता, अगर ओमेगा कम आता नीचे आ जाता, बट क्योंकि ग्राउंड है तो उसको नीचे नहीं आने देगा. तो इसका मतलब अगर ग्राउंड है नीचे तो ओमेगा अंडरूट जी बाय h उससे कम हो तो सर्किल में मूव करेगा, बट अगर ग्राउंड नहीं है तो सिर्फ अंडर रूट जी बाय h के सर्किल में मूव करेगा, उसके कम में नीचे आ जाएगा, उससे ज्यादा में ऊपर चला जाएगा. तो अगर ग्राउंड लगा के ओमेगा अंडर रूट जी बाय h देते हैं तो ग्राउंड को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ग्राउंड कब सपोर्ट करेगा? जब एंगुलर वेलोसिटी उससे कम, तो कई क्वेश्चन हम कॉमन सेंस में कर लेते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ये कॉनिकल पेंडुलम है, बेटा एक सॉलिड कोन है, यहाँ पे एक घूमने वाला बेटा पॉइंट लगा हुआ है, ये एक धागा है, इसकी लेंथ L है, ये मास M है, ये कोन के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है. तो बेटा दिस इज ये सॉलिड कोन है और इसकी एक्सिस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के लॉन्ग है. फाइंड मैक्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम सो दैट बेटा कोन का हाफ एंगल थीटा इस स्ट्रिंग की लेंथ है, सो दैट बॉब remains in contact with solid.
कुशाल मुझे लगता नहीं है कि आज दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊंगा, इस बार का मिस होगा क्योंकि बाकी टाइम इतना नहीं है, क्योंकि कुछ क्लासेस भी लेनी है, कुछ बच्चों से भी बैठना है, तो आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे पॉसिबल बन नहीं रहा, क्योंकि अगर पॉसिबल होता ना तो मैं खुशी से बोलता, वो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा क्योंकि मुझे 3-4 क्लासेस लेनी है, तो मैं रात को 9 बजे ही फ्री होऊंगा और 9 बजे के बाद रिकॉर्ड करके डालना क्योंकि बेटर है। मैं रोटेशन के कल डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके सारे, मुझे भी बेटर लग रहा है, रोटेशन के सारे लेक्चर्स कल रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, तो आराम से जिस भी टाइम में देख लो, तो ज्यादा भी डाल सकता हूँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है। इसमें ये भी रहता है कितना पढ़ाओ कितना नहीं पढ़ाओ, 1.5 घंटे में फिर दूसरी क्लास है, तो उसमें अनलिमिटेड मतलब 1-2 घंटे ज्यादा भी कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो। बेटा कन्वर्सेशन हो तो शायद हो नहीं पाएगा, मुझे लगता नहीं इट्स पॉसिबल टुडे। बेटा मैं उसको लिख दूंगा वहां पे, बेटा वो सारे ऑप्शन भी अवेलेबल रहेंगे, ऑप्शन भी डाल दूंगा बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो पहले इसमें देख लेना क्योंकि यहाँ मैं फिजिक्स OBHC बेटा क्या था सॉरी यूट्यूब YouTube.com C Physics OVH बेटा गैप नहीं है बीच में, वो गैप आ गया बेटे, पहले यहाँ पे आ जाएगा तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा, थोड़ा सा हैंड पे ला रहा ना वहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि वो इशू सबको देता हूँ ना, तो एक्चुअली मैं तो अपलोड करता हूँ बट वो फाइल इतनी बड़ी होती है अपलोड करने में, तो उनको हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, तो बेटा दैट टेक्स ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स पर लेक्चर, तो अपलोड करने में 4-5 घंटे लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनको दे दूंगा वो एकदम से अपलोड कर देंगे, अगर 3 लेक्चर दे दिए तो उनका पूरे दिन का काम हो गया और कुछ करने पड़ते हैं। वैभव प्लीज मैसेज मत पूछो, आना है आपकी मर्जी बेटा, प्लीज मैसेज ऐसे क्वेश्चन मत पूछो बेटा, मैं आपको ना कई बातें भूल नहीं पाता, मेरे लिए बच्चे बच्चे हैं सब, प्लीज आ जाओ, इसमें दिक्कत पता क्या है, अब मैं बात आ जाओ बेटा, इसमें सेंट्रल गंटू मत करना, आप सारे मेरे स्टूडेंट हो तुम्हारे सबके स्टूडेंट, मतलब यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट के बाहर के बच्चे आते हैं बेटा, तो उनको भाग्यव सर ना नहीं करते आप लोग कुरान सर के वहां के बच्चे भाग्यव सर से पूछ के आते हैं, तो भाग्यव सर ने उनको ना नहीं किया कभी भी, ही इज नेवर सेड नो। तो बेटा अगर मैं बोलूँ सेंट्रल गंटू के बच्चे को तो मुझे भाग्यव सर से झारखा नहीं है, नहीं संडे को नहीं बेटा, बेटा संडे को नहीं प्लीज, संडे को ना वो छोड़ दो, मैं हैदराबाद आके जाने का टाइम छोड़ दो मेरे लिए, संडे को कभी कोई क्लास नहीं बेटा किसी भी कंडीशन में, और एक दिन ना मेरी ड्राइविंग क्लास लगेगी पूरी, इस संडे को तो नहीं जाऊंगा, अगले संडे को जाऊंगा मैं, इस संडे को बेटा आपकी रिकॉर्डिंग कर लूँ पूरी बैठ के घर में, बेटा मंडे टू सैटरडे आज क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, मेरे ख्याल
सात आठ दिन में 8 to 9 days मॉडिफिकेशन खत्म कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे वही देखना है, अगर इस बेस को हटा दे, अगर इस बेस को हटा दे यहाँ पे बेटा ओमेगा, ये हाइट लेते हैं एच, ये हाइट लेते हैं एच, इस पूरे कोण को हटा दो, इस पूरे कोण को हटा दो, यहाँ से घूम रहा है, अगर ये हाइट एच है तो अगर ओमेगा देते हैं अंडर रूट जी बाय एच तो ऐसे घूमता रहेगा, इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है, अगर कम देते हैं तो नीचे आएगा, इंक्लाइन प्लेन को सपोर्ट करने की जरूरत है, अगर इससे ज्यादा आता है इंक्लाइन प्लेन रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैक्सिमम ओमेगा कि ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में रहे कितना आएगा अंडर रूट जी बाय एच, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एच, तो एच कैसे निकालेंगे बेटा, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा एल कॉस थीटा, एच कितना आ जाएगा एल कॉस थीटा, बस इतना ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बार बार करके न्यूट्रल लगाएं तो बेटा वो सही नहीं लगता है, वो सही नहीं लगता है, ये सारे कोरी के पेंडुलम के क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो ये कोरी के पेंडुलम लगते नहीं है, ये कोनिकल पेंडुलम लगते नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस में एक साथ एक ही बार में कर लेते हैं बेटा, ये देखते हैं, देयर इज अ कोनिकल पेंडुलम, देयर इज ए कोनिकल फनल, देयर इज ए कोनिकल फनल विद वर्टेक्स एट बॉटम, बेटा ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहां पे रेडियस आर है, यहां पे रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, स्कोरिकल बेटा ये है स्मूथ, ये है स्मूथ, फाइंड एंगल ऑफ द बॉल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल, अब सोच के करना, मैंने मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा, फाइंड एंगल ऑफ योर बॉल सो दैट इट मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो बेटा ये रेडियस आर है, ध्यान रखना यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे है, जरा ध्यान रखिएगा, स्पीड बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे है, इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, स्पीड कम होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होती है, इसके नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे एक ओमेगा पे ये घूमेगी, उसके ऊपर ओमेगा करेंगे तो ऊपर जाएगी, उसके नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे धागा नहीं लगा हुआ, तो इसके एक ही एंगल ऑफ वेलोसिटी घूमेगी, फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होती तो एक बैंड ऑफ एंगल ऑफ वेलोसिटी पे ये सर्कल मोशन करती, तो मिनिमम मैक्सिमम आता, तो मिनिमम मैक्सिमम आता, तो यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम अगर आपको दिखेगा नहीं क्यों, इसका एक फोर्स पड़ेगी mg, एक फोर्स पड़ेगी n, धागे की टेंशन पड़ रही थी उसकी जगह कैसे पड़ेगा नॉर्मल डायरेक्शन, तो सीधे औसत लिख सकते हो, नहीं तो अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मारेंगे mg, यहाँ पे मारेंगे n, यहाँ पे मारेंगे ओमेगा स्क्वायर, इन सब का सम जीरो होना चाहिए, बार बार सॉल्व करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं,90 माइनस थीटा ये कितना आएगा, और h कितना आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए,
तो बेटा ये आएगा थीटा, तो h by r कितना आ जाएगा tan थीटा, तो h by r कितना हो जाएगा tan थीटा, तो h कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा बेटा r tan थीटा, ये थीटा ये 90 by थीटा ये थीटा, तो h by r tan थीटा, तो h कितना आ जाएगा r tan थीटा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, तो इसको अपन सीधे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता नहीं कॉनिकल पेंडुलम है, हम पढ़ लेते हैं फिर कॉनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं, वो बहुत हैरानी की बात है। वो सारे क्वेश्चंस करने के बाद हम कॉनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं, कॉनिकल पेंडुलम पढ़ के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देयर इज ए रिंग इन वर्टिकल प्लेन रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल डायमीटर विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कोई भी रिंग है, कोई भी रिंग है बट एक फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे एक बीट डली हुई है जिसका मास है m, यहाँ पे एक बीट डली हुई है जिसका मास है m, जिसका मास है m, जिसका मास है m, तो बेटा ये बीट in weight on a bead free to slide on ring without friction, without friction beta is the radius hai r, is ring ka radius hai r, ring ka radius hai r, without friction bead is free to slide on ring without friction rotates in horizontal circle as a result, find the radius of circular motion of bead। तो बेटा या तो एंगल पूछ सकते हैं, ये एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, ये कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, स्टेशन टू ग्रेविटी ऐसे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये थोड़ा ऊपर चली जाएगी, कहीं पे बैलेंस हो गई, ये सर्कल घूमेगी, सर्कल में घूमेगी, एक फोर्स आएगा mg, एक नॉर्मल डायरेक्शन कोनिकल पेंडुलम की तरह ही होगा, वो भी हमेशा सेंटर की तरफ होगा, तो अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो बिल्कुल कोनिकल पेंडुलम है, तो ओमेगा कितना आएगा, तो यहाँ पे h कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आएगा, रूट जी का h, तो h आ जाएगा, ये h आ गया, ये r पता है, तो इसका रेडियस आराम से निकल आएगा। तो अगर यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट जी बाय h, अगर h है इसे ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, अगर ओमेगा अंडर रूट जी से कम है तो नीचे आएगा, तो वहीं पे एडजस्ट कर देगा जहाँ पे h कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय h, तो h कितना हो जाएगा जी बाय ओमेगा स्क्वायर, तो उस एच पे ये एडजस्ट कर लेगा, तो यहाँ पे खुद से एडजस्ट कर लेगा सर्कुलर मोशन में। तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हम पूरे सर्कुलर मोशन सारी चीज करते हैं, खुद के प्रॉब्लम काफी है। बेटा वो चैनल में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार नोट कर लीजिएगा बेटा, मंडे या सैटरडे नाइट से आप देखना शुरू कर देना, सैटरडे नाइट पे बेटा रोटेशन और एक्सेलरेशन, इसके बाद कौन से बेटा रोटेशन एक्सेलरेशन होगा ना इसके बाद, तो youtube.com c दोनों बैक स्लैश है फिजिक्स ओबीएच।
तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच, एच कितना हो जाएगा बेटा जी बाई ओमेगा स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा जी बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आर कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये सॉरी ये स्मॉल आर आएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट, तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस जी रेस्ट पर फोर बाई ओमेगा रेस्ट जी स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर बाई फिर शाम को 6 बजे से मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे, आज करेंगे रेडिएशन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो आज जो हम पढ़ेंगे तो अगर आप थोड़ा पढ़ के आ सकते हैं पहले देख लीजिए जाएगा, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, फोटोन जब भी दीवार पर पड़ता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कैसे फोर्सेस देता है, तो फोटोन जब मिरर्स पर पड़ते हैं तो बेटा यहाँ पे मैकेनिक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं भी हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। हम दो तरह की मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एक क्लासिकल और एक रिलेटिविस्टिक। क्लासिकल मैकेनिक्स में सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी बेटा बहुत कम होती है, फोटोन पे जब मैकेनिक्स लगाएंगे इसमें थोड़े से रूल्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, तो सारे प्रिंसिपल्स न्यूटन मैकेनिक्स के फॉलो नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ध्यान रखना कन्वर्जेशन मोमेंटम के रिलेशन हमेशा फॉलो होते हैं, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फोटॉन्स जब भी वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो वॉल पे फोर्स कैसे देते हैं, वॉल पे फोर्स कैसे देते हैं, और लाइट बीम की वजह से, लाइट बीम की वजह से किसी भी सरफेस पे फोर्स कैसे पड़ती है, तो आज ये देखेंगे, आज हम ये देखेंगे, और उसमें कुछ कुछ हमें दूसरे प्रिंसिपल देखने हैं, किसी भी बीम में, किसी भी बीम में कितने फोटॉन्स आते हैं, क्योंकि अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मॉडर्न फिजिक्स में आप फोटो इलेक्ट्रिक के पढ़ चुके हो, किसी भी सर्फेस पे अगर लाइट की बीम पड़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितने फोटॉन्स पड़ते हैं। बेटा वो कल अभी सारे वो रिकॉर्डिंग कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, वो रिकॉर्डिंग कल ही पढ़ेंगे, सेम पैरामीटर फिजिक्स की पहले ली है, नहीं नहीं बेटा ये रिकॉर्डर के आ जाएंगे, क्योंकि वो मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो बेटा वो मॉडर्न फिजिक्स की ऑनलाइन भी आएंगे, वो सारे ऑफलाइन है ऑनलाइन भी आएंगे। बेटा मॉनिटर्स की अपलोड आज से होनी शुरू हो जाएंगी, वो क्लास की है, सेमीकंडक्टर की कुछ रिकॉर्ड करने बाकी है, सेमीकंडक्टर की कुछ रिकॉर्ड करने बाकी है, मोस्ट प्रॉब्ली कल हो जाएगी, सेमीकंडक्टर का एक रिकॉर्ड हुआ है, पांच लेक्चर्स हुए हैं बेटा, पांच नहीं तीन चार हुए हैं, हाँ चार पांच हुए हैं, तो बाकी चार रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैं पांचों एक साथ रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, एक रिकॉर्ड हुआ पड़ा उसका, मॉनिटर्स का क्लास में जो चल रहा होगा वही रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो बेटा वो डिस्कस कर रहा था ये इसको, हाँ तो चलो उसको क्लास में डिस्कस करेंगे शाम को ना, बेटा ठीक है। बेटा इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूँ पहले, बाय बेटा।